नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के आठवें चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर हिंसा मामले में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और दो पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 151 रन बनाए। हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर में भारत पूल सी के अंतिम मैच में आज शाम कनाडा से खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के आठवें चरण के लिए मतदान सुचारू रूप से हुआ। इस चरण में जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के 13 जिलों के 32 ब्लॉकों में वोट डाले गए। इनमें से 18 ब्लॉक जम्मू डिवीजन में और 14 कश्मीर घाटी में हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान अब से थोड़ी ही देर पहले सम्पन्न हुआ। जम्मू डिवीजन में मतदान तेजी के साथ शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग मतदान केंद्रों में कतारें बांधे खड़े दिखाई दिए। जम्मू और सांबा जिलों में 12 बजे तक लगभग 65% मतदान हुआ था, जबकि सीमावर्ती जिला कठुआ में 63.5% और रियासी में 62% वोट डाले गए थे। एक और सीमावर्ती जिला रजौरी में 12 बजे तक 60% से अधिक मतदान हुआ। कश्मीर घाटी में सुबह मतदान की रफ्तार काफी धीमी थी, मगर दिन चढ़ने के साथ साथ मतदान में तेजी आई और घाटी के 3 जिलों बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा से भी भारी मतदान के समाचार आ रहे हैं। 12 बजे तक बारामूला में लगभग 44%, कुपवाड़ा में 34% और बांडीपोरा में 11% मतदाताओं ने अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया था। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। इस चरण में सरपंच की 331 और पंचों की 2007 सीटों के लिए 6304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 43 सरपंच और 681 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पंजाब में 30 दिसंबर को पंचायत चुनाव होंगे, मतगणना उसी दिन होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जगपाल सिंह संधू ने कल चंडीगढ़ में बताया कि राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्ण बहादुर सिंह का तबादला कर दिया है। उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात किया गया है। प्रभाकर चौधरी नए पुलिस अधीक्षक होंगे। एक मंडल अधिकारी और थाना प्रभारी का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक एसवी शिरोणकर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद की। विशेष जांच दल भी इस मामले की जांच कर रहा है। बुलंदशहर हिंसा के सिलसिले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था। 5 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। इस बीच हिंसा के वीडियो फुटेज में दिखाई दिए सेना के एक जवान जीतू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का एक दल जम्मू कश्मीर भेजा गया है। प्राथमिकी में जीतू का भी नाम है। पुलिस महानिदेशक के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र गौतम ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्य आरोपी योगेश राज को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में पुंछ के उपायुक्त श्री राहुल यादव ने बताया कि इस दुर्घटना में 18 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। जो भी जख्मी है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और कुछ जख्मियों को हेलीकॉप्टर के थ्रू जम्मू भी मूव किया गया है। सो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि बेहतर सुविधाएं, जो भी बेहतर चिकित्सा सुविधा और इसके अलावा भी और भी जो मैक्सिमम फैसिलिटी हो सकती है वो प्रोवाइड की जाए। इसमें ऑलरेडी ऑनरेबल गवर्नर साहब की तरफ से 5 लाख एक्सग्रेशिया जो इनकी डेथ हुई है उनके लिए और 50,000 जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए अनाउंस की जा चुकी है। दुर्घटना उस समय हुई जब यात्रियों को ले जा रही एक बस आज सुबह मंडी तहसील के पालेरा इलाके में फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। ये बस लोरान से पुंछ जा रही थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुंदरबनी क्षेत्र में आज सुबह पाकिस्तानी सैनिकों ने अकारण गोलीबारी की। सेना के प्रवक्ता के अनुसार भारतीय सेना ने गोलीबारी का करारा जवाब दिया।
ये समाचार लिखे जाने तक गोलीबारी जारी थी, किसी के हताहत होने का कोई समाचार नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने रक्षा सौदों में कथित दलाली और विदेशों में संपत्तियां बनाने के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित तीन लोगों के परिसरों पर छापे मारे हैं। पहली बार वाड्रा के साथियों को प्रवर्तन निदेशालय ने रक्षा सौदों में कथित रूप से दलाली के मामले से जोड़ा है। दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु के परिसरों में कल दोपहर 12 बजे छापे मारने शुरू किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने हालांकि उन लोगों के नाम नहीं बताए हैं जिनके यहां छापे मारे गए। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव में हार की आशंका के मद्देनजर सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। 3700 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के कथित दलाल क्रिश्चियन जेम्स माइकल को केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रयास से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के 3 दिन बाद छापे मारे गए। भारतीय मूल के 8 देशों के 40 से अधिक विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। ये विद्यार्थी भारत को जाने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत आए हैं। पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विदेशों में भारतीय समुदाय ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाई है और भारत को विश्व की एक ताकत के रूप में दर्शाने में एक अहम अंग है। आज भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी डायस्पोरा है और करोड़ों भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं वो हमारी पूंजी है, वो हमारा ताकत है और उनके माध्यम से हम और लोगों तक पहुंचते हैं। ये हमारा एम्बेसडर है, हमारा प्रतिनिधि है ये लोग अनऑफिशियली, और कल्चरल लिंक, स्पिरिचुअल लिंक, सोशल, हर तरीके से, अब तो ये आर्थिक दृष्टि से भी ये हमारे साथ में लिंक है। विदेश मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से इन विद्यार्थियों के लिए 25 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और इसके सहयोगी देश वैश्विक तेल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन में प्रतिदिन 12 लाख बैरल कटौती करेंगे। एक रिपोर्ट। 14 देशों का संगठन ओपेक उत्पादन में प्रतिदिन 8 लाख बैरल की और रूस तथा इसके सहयोगी देश लगभग 4 लाख बैरल की कटौती करेंगे। इस पर अगले महीने से अमल किया जाएगा। ओपेक और इसके भागीदारों का विश्व में कुल तेल उत्पादन में आधा हिस्सा है। विश्व बाजार में तेल की कीमतों में पिछले 2 महीने में 30% से अधिक की गिरावट आई है। बैठक से पहले सऊदी अरब ने बताया था कि ओपेक कच्चे तेल की कीमतें कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति की राय पर गंभीरता से विचार करेगा। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा संसद को भंग किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अदालत का फैसला अगले सप्ताह के शुरू में आने की आशा है, क्योंकि संसद भंग किए जाने के आदेश पर रोक की अवधि सोमवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। श्रीलंका में सभी पक्षों की नज़र अब उच्चतम न्यायालय के फैसले पर है और वे इसी अनुसार अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति सिरिसेना और राजपक्षे पक्ष को संसद भंग करने के फैसले को सही ठहराए जाने की उम्मीद है, ताकि चुनाव का रास्ता साफ हो सके। लेकिन ऐसा न होने पर देखना होगा कि राष्ट्रपति क्या श्री रनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जिनके पास संसद में बहुमत है। निचली अदालत द्वारा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल को काम करने से रोकने के फैसले के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर है, जिस पर फैसला अगले सप्ताह अपेक्षित है। दोनों पक्ष बीच जनमत को अपने पक्ष में करने में भी लगे हैं। विक्रम सिंघे का पक्ष जहां धरने प्रदर्शन के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों की वकालत कर रहा है, वहीं राजपक्षे का दल चुनाव के पक्ष में लोगों के समर्थन की जुगत कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। अमेरिका में विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने 2016 के चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप के बारे में वाशिंगटन की एक संघीय अदालत में नए दस्तावेज पेश किए हैं। हालांकि इन दस्तावेजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों की रूस के साथ साठगांठ पर पूछे गए अहम सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। अमरीकी समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इन दस्तावेजों में प्रचार के दौरान ट्रंप और रूस के बीच गुपचुप तरीके से कथित संबंधों का खुलासा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 3 अरब 90 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब विश्व की आधी से ज्यादा आबादी ऑनलाइन हो चुकी है।
संयुक्त राष्ट्र की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एजेंसी ने बताया है कि इस वर्ष के अंत तक समूचे विश्व की आबादी के 51.2% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख हॉलीन झाऊ ने कहा है कि विश्व को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संचार क्रांति के लिए प्रौद्योगिकी और व्यापार में नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया की पूरी आबादी के 96% लोगों की पहुंच मोबाइल नेटवर्क तक है और 90% लोगों के लिए 3G या उससे उच्च गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 3 विकेट पर 151 रन बनाए। आज ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 235 रन पर सिमट गई। आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 तथा ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। बारिश के कारण आज खेल में कई बार बाधा आई। भारत ने पहली पारी में 250 रन बनाए थे। हॉकी विश्व कप के पूल सी के अंतिम मैच में आज शाम 7 बजे भुवनेश्वर में भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए मेजबान भारत को कनाडा के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल करनी होगी। भारतीय टीम अपने ग्रुप में अब तक कोई भी मैच नहीं हारी है। आज के एक अन्य मैच में बेल्जियम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से शाम 5 बजे से होगा। कल ऑस्ट्रेलिया ने पूल बी के आखिरी मैच में चीन को 11-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली थी। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया 9 अंकों के साथ अपने पूल में सबसे ऊपर है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेलकूद के लिए माहौल और लोगों की सोच बदल रही है। आज नई दिल्ली में जागरण कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। अब क्रिकेट के ही नहीं बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उभर कर सामने आ रहे हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री ने 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नए उभरते खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने के लिए ओलंपिक टास्क फोर्स का गठन किया है और टारगेट ओलंपिक पोडियम नाम की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर ही खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाड़ियों को वरिष्ठ स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी दिवस मना रही है। ये दिन 1967 में आज ही के दिन देश की पहली पनडुब्बी INS कावेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। 29 वर्ष की सेवा के बाद ये पनडुब्बी 31 मई 1996 को प्रचलन से हटा ली गई थी। इस महीने की 3 तारीख को वार्षिक नौसेना दिवस संवाददाता सम्मेलन में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में लिए जाने के बारे में बताया था। आकाशवाणी से बातचीत में नौसेना के जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन DK शर्मा ने बताया कि भारतीय नौसेना मजबूत हो रही है। आज के दिन इंडियन नेवी में पहली पनडुब्बी कमीशन हुई थी और ये हमें रशिया से मिली थी, जिसने कि पूरा इंडियन नेवी का लुकआउट चेंज कर दिया। और अभी आपको मालूम है कि हमारी इंडियन नेवी एक बहुत ही पावरफुल नेवी है अपने हिंद महासागर में। दिल्ली में आज इस मौसम का सबसे कम तापमान रहा। ठंड के कारण न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के 8वें चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर हिंसा मामले में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 151 रन बनाए। और हॉकी विश्व कप में भारत पूल सी के अपने अंतिम मैच में आज शाम भुवनेश्वर में कनाडा के साथ खेलेगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।